हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम डॉक्टर सुधीर गहलोत मैं यहाँ यशोदा हॉस्पिटल कोशाम्बी में पेडाटिक्स डिपार्टमेंट न्यूरोटोलॉजी का हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ मैं यहाँ से लास्ट थर्टीन इयर्स से इसी हॉस्पिटल में हूँ मैं आज अपनी प्रैक्टिस का और हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग बच्चों में बीमारी को लेकर बात करते हैं कि निमोनिया डायरिया फ्लू स्वाइन फ्लू डेंगी इन सब चीज़ों के लिए हम बहुत बात करते हैं पेरेंट्स भी अवेयर हैं पर जो मेरी क्लोज़ ऑब्जर्वेशन है हम लोग आज के युग में एडल्ट्स में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं उनको जागरूक करते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए आप फिज़िकल एक्टिविटी इतनी होनी चाहिए आपका बॉडी मास इंडेक्स इतना होना चाहिए आपको रेगुलर वॉक करना चाहिए आपकी डाइटरी हैबिट्स ये होनी चाहिए तो जो मैं देखता हूँ कि एडल्ट्स पार्ट पे जो बड़े लोग हैं वो काफ़ी ध्यान दे रहे हैं लेकिन जब उसका दूसरा पार्ट देखता हूँ माँ बाप को देखता हूँ कि माँ बाप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं लेकिन वो अपने बच्चे का लाइफ स्टाइल चेंज करने का नहीं सोचते हैं क्योंकि इसके बारे में वो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं वो अननोन हैं उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेज इतने शायद नहीं पता और मुझे ऐसा लगता है कि हम आज की डेट में शुरुआत से ही अगर बच्चों का लाइफ स्टाइल पर ज़्यादा ध्यान दें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हम बच्चों को प्रेरित करें कि जो उनकी हैबिट्स हैं वो इस तरह की हो कि जिससे आगे चल के बीमार ना हो अगर बचपन में वो बीमार नहीं होंगे तो आगे चल के भी वो कम बीमार होंगे तो मुझे लगता है कि जो मेरी ऑब्ज़रवेशन है जो मेरा एक्सपीरियंस है कुछ चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रिक्टली मैं कहना चाहूँगा पेरेंट्स को स्पेशली कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना दें दो साल से नीचे नॉट रिकमेंडेबल नहीं देना चाहिए टी कम से कम मिनिमम मोबाइल फ़ोन आई ये नहीं देना है टू टू फाइव ईयर्स पर आप बच्चे को मैक्सिमम लिमिट आप जो है एक घंटा कर सकते हो फॉर द ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और उसमें भी ध्यान रखें क्योंकि इससे आज की आप भी लोग भी देखते होंगे कि कितने बच्चे को बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देख के भी अफसोस होता है कि उनको चश्मा लगा होता है चश्मे का नंबर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा होता है मुझे ऐसा लगता है उस बच्चे को देखते ही कि आधी एक्टिविटी तो उस बच्चे की फ्यूचर के लिए रुक गई शायद उसका डेवलपमेंट शायद वो बहुत सारी फ़िज़िकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शायद अपने पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता उस बच्चे को तो कुछ इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे चश्मा लगने से आगे क्या नुकसान होगा हम बीइंग ए पेरेंट्स जानते हैं कि इसकी आँखों का ध्यान रखें हम उसकी डाइट का ध्यान रखें हेल्दी डाइट होना चाहिए पेरेंट्स अपनी कन्वीनियंस के लिए या किसी और रीजन की वजह से बहुत ज़्यादा आजकल मैं देखता हूँ कि वो बाहर का खाना जंक फूड्स बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट हम बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि अभी बच्चे का पेट भर जाए और हमें शायद ज़्यादा परेशानी न लेकिन जो मैंने अपने पेरेंट्स में देखा है कि हमें बच बच्चे को ठीक से पालने के लिए हमें पेंस लेने होंगे और मेरा मानना ये है अभी तक का मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ये है बहुत पेरेंट्स को मैंने देखा है अपने पेरेंट्स को देखा है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए पेंस नहीं ले सकते तो इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान आपके बच्चे के लिए पेंस नहीं लेगा आप सोचते हैं मेरा ड्राइवर बच्चे को छोड़ देता है मेरा ट्यूटर बच्चे को पढ़ा देता है मेरी मेड उसे खाना खिला देती है केयर टेकर उसकी केयर कर लेता है तो ये सिर्फ़ आपका एक भ्रम है इसको मैं अब सिर्फ यही बोलूँगा इससे आपके बच्चे के विकास में उस तरह का विकास नहीं होगा ये मैं पूरा विश्वास के साथ बोल सकता हूँ एक बच्चा जिसकी केयर पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसके घर वाले करते हैं तो इस बात के लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने बच्चे को खुद क्वालिटी टाइम दें क्वालिटी टाइम मींस कि वो टाइम आपके बच्चे के लिए है सिर्फ आप और आपका बच्चा उसे उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए ना कि ये कि मैं घर तो पहुंचता हूं उसके बाद तो बच्चे के साथ ही रहता हूं बहुत पेरेंट्स जब हम उनको समझाते हैं तो वो उनका आंसर रिफ्लेक्स लिए निकल कर तो कि डॉक्टर मैं तो जब घर पहुंचता हूं उसके बाद हम दोनों लोग बच्चे के साथ ही होते हैं लेकिन मदर अपने फ़ोन पर बिज़ी होती है मदर अपना काम कर रही होती है फादर अपने आई पैड बिज़ी होता है बच्चे के हाथ में एक फ़ोन थमा देते हैं इससे बात कर रहे हैं अपना काम कर रहे होते हैं तो हम अपने लिए देखते हैं वो टाइम आपका बच्चे के लिए नहीं है मैं आपको एनकरेज करूँगा इसके लिए प्रेरित करूँगा कि अपने बच्चे को आउटडोर स्पोर्ट्स में डालें आउटडोर स्पोर्ट्स में डालने के लिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप बच्चे का फ्यूचर स्पोर्ट्स में ही बनाएं पर उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज जो मैं देखता हूँ जो बच्चे आउटडोर स्पोर्ट्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं रेगुलरली खेलते हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है उनकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगती है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बहुत सारी चीज़ों से वो अपने आप ही अलग हो जाते हैं बच्चे में एक जब वो स्पोर्ट्स में जाता है तो एक कॉम्पिटिटिव स्प्रिट आती है उसको हारने की जीतने की हार एक्सेप्ट करने की बहुत सारी चीज़ इमोशंस शो करने की दूसरे के इमोशंस एक्सेप्ट करने की रीड करने की दूसरों के साथ मेल भाव से हम टीम वर्क से कैसे काम कर सकते हैं तो मेरा मानना यह है कि आउटडोर स्पोर्ट्स में बच्चे को सारी एडवांटेज हैं लेकिन इतना भी मैं ज़रूर चाहूँगा वो या फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूँगा ऐसा ना हो कि हम बच्चों को भेज देते हैं कोच हमारा कोचिंग कराता है मेरा ड्राइवर वहाँ छोड़ता है आपके घर में से किसी की नज़र बच्चे पे ज़रूर होनी चाहिए आपका बच्चा आप ये मान के चलो वो एक बीज है वो तभी तक सही फलेगा जब तक आपकी नज़र उस पर है सारे टाइम बिल्कुल घर में से किसी एक की नज़र बच्चे पे जरूरी है क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा आपको दूसरे की बातों पे विश्वास करना पड़ेगा और हो सकता है आपका बच्चा धीरे धीरे करके आपके हाथ से ऐसे ही निकल जाए तो अपने बच्चे को खुद टाइम दो उसका लाइफ चेंज करो आप वॉक करने जाते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हो आप लोग जिम जाते हो मान लिया आप जिम जाएँ लेकिन एटलीस्ट बच्चे को भी वॉक कराने के जिम में उसे एक्सरसाइज नहीं कर पाए उसको देखाएं तो उसको अपने साथ लेके जाएं वॉक कराएं आप ख़ुद फ्रूट्स खाना चाहते हो तो उस बच्चे को भी फ्रूट्स खाने की आदत डालो उसको भी सलाह खाना हमेशा कोशिश करो उस बच्चे के साथ बैठ के खाओ ना कि ये कि बच्चे के लिए हम अलग प्लेट लगाए थे मैं अलग खाना खाता हूँ ये अलग खाते क्योंकि उसको इससे एक फैमिली बॉन्डिंग भी होगी बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा अपनी बहुत सारी चीज़ें बच्चा उस टाइम पे आपसे शेयर कर लेगा शायद जो बात का उसको शायद टाइम नहीं मिलता या आपको टाइम नहीं मिलता आप उसको इनक्रेज करो बच्चे को दूसरा एक मेरा परसेप्शन ये है मतलब कि हमें अपने बच्चे को एज ए इंडिविजुअल देखना चाहिए उस बच्चे को देखना चाहिए और उसको सुनना भी चाहिए एटलीस्ट फाइव ईयर से अबव बच्चा जो है वो आपको कम्युनिकेट कर सकता है वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आके कई बार बताता है तो हम उसको ध्यान से नहीं सुनते हैं फिर वो उसके बाद उस प्रॉब्लम को बताना ही बंद कर देता है हमें अपने बच्चे की बात सुनना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उसको कम डाँटें और मारना तो कभी नहीं क्योंकि मार के अगर आप बच्चे को मारते हो तो आप अपना सब कुछ खो देते हो फिर वो बच्चे पे उस बात का कोई असर आपके पास वो लास्ट वेपन था वो आप यूज़ कर चुके उसका सिर्फ उसको मैं मानता हूँ बच्चे को डर जरूर होना चाहिए उसकी आंखों में एक डर होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो मैं नहीं करूँगा ये इनको अच्छा नहीं लगेगा पापा नाराज़ होंगे मम्मी नाराज़ होंगी गुस्सा होंगे कुछ भी और कुछ बच्चा अगर अच्छा करता है उसको अप्रिशिएट ज़रूर करो अपने बच्चे को आप खुद डिस्करेज मत करो इस टाइप के नेगेटिव वर्ड्स उसके सामने मत बोलो तुम ये नहीं कर सकते उसके बच्चे को देखो उसको देखो उसको देखो ये चीज़ बच्चे को बहुत पेंस देती हैं आप अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छा चाहते हो तो आपको प्रेजेंट में उसका साथ देना होगा तभी उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है अपने बच्चे को टाइम दो हेल्दी लाइफ के लिए सपोर्ट करो बच्चों को इनक्रेज करो बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से बच्चों को दूर रखो और प्लीज़ अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दो अपने बच्चों को सपोर्ट करो आप सपोर्ट नहीं करोगे अपने बच्चे को तो दुनिया के अंदर कोई दूसरा सपोर्ट नहीं करेगा